I never answer to no man, I still go, go, go. पुराने वाले की कंडीशन ऊपर से तो ऐसे ही दिखता है, ये है मेन पूरा पैक. ये देखो लोगों के एयर फिल्टर में भी इतनी मिट्टी नहीं निकलती जो हमारी एसी फिल्टर में निकलती है. ये भी रिप्लेस होगा, नया लगेगा. तो ये है अपना पुराना वाला ऑयल फिल्टर ना, ये चेक करो. बहुत ज़्यादा गंदा था तो ये मैंने ना आज वॉश ही करवा दिया पूरा. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्टोस की 70,000 वाली सर्विस की. तो वीडियो कंप्लीट में शूट कर चुका हूँ, ये वाला जो क्लिप है ये मैं एंड में शूट कर रहा हूँ. तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए. एक एक चीज़ मतलब मेरे अकॉर्डिंग इससे डिटेल्ड वीडियो सर्विस का यूट्यूब पर नहीं होगा और वो भी 70,000 वाला. तो वीडियो को पूरा देखना. तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. तो भाई आज फाइनली अपनी 70,000 वाली सर्विस होने वाली है. शायद ये 9 सर्विस है अपनी, हाँ 7 और 2 9. तो ये 9 सर्विस अपनी सेल्टोस की आज होने वाली है. अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं जयपुर से हूँ और मेरे पास है किया सेल्टोस अपना HTX डीजल मैनुअल. तो मैंने ना लगभग 1 सितंबर को गाड़ी ली थी और तब से लगभग अभी तक ना 72,379 मतलब 72,000 से ऊपर गाड़ी चला थी. तो मतलब ना देख सकते हो 18-19 महीने में ही. तो ये था और आज अपन चल रहे हैं 70,000 वाली सर्विस करवाने. तो दिखाते हैं आप लोगों को इस वीडियो में कि क्या क्या कुछ होने वाला है. जैसे कि अपने सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं सर्विस वाले, मतलब 10,000 वाला भी अपलोडेड है, 20,000 वाला नहीं है. उसके अलावा मेरे सारे सर्विस वाले वीडियो ना ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप लोगों को चेक करने हैं तो आप कर सकते हो. और भाई कई लोग बात करते हैं एवरेज की कि सेल्टोस डीजल में क्या एवरेज देती है. तो ना एवरेज की बात ऐसी है कि मेरे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें मैंने ना एवरेज दिखाया हुआ है. अभी लेटेस्ट एक दिल्ली जयपुर वाला जो मैंने किया था उसमें दिखाया है, उसमें ना एक मुझे भी शॉकिंग रिजल्ट्स मिले हैं. मेरा अभी तक का हाईएस्ट एवरेज उसमें निकाला है हमने. तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा. अभी 2 दिन पहले अपलोड किया है मैंने वाला वीडियो ना. तो चलो चलते हैं एक बार, क्योंकि मैं चल रहा हूँ अभी लेट. पहले तो सीन देखो आप बाहर का, आज थोड़ी जयपुर में गर्मी से थोड़ी ना शांति है. आज ना थोड़ी बहुत शांति है धूप से, और फिर भी शांति टेम्परेचर की नहीं है, धूप की है बस. फिर भी 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. और ये आ गया हमारा ना टोल, जो टनल है किया के शोरूम के लिए ना, ये टनल ही काफ़ी रहती है. मतलब टनल से निकलते ही अपन को मुश्किल से 2 किलोमीटर और चलना रहेगा और अपन शोरूम पहुँच जाएंगे. हालाँकि यहाँ पर लोकल गाड़ियों का टोल लगता नहीं है, ये सीधा एडजॉइनिंग है आगरा. तो जो आगरा जाने वाली है या फिर बसें ट्रक हैं उनका टोल लगता है, पर यहाँ पर ना ये सीन देखने लायक रहता है इसका भी, एंट्री और एग्जिट दोनों ही. तो ये देखो काट के किस टाइप का पहाड़ बन चुका है. ये जब टनल बनी थी ना उसके लिए काटा गया था ये वाला पहाड़, और ये काट के इस टाइप से ये टनल बनी है. गाड़ी अपनी चल चुकी है अभी 72,381. तो सर्विस मेरी होती है 71 पे, मतलब कि 70 पे नहीं रहती वो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होकर के 1,000 किलोमीटर का फ़र्क आ गया था. और इस बार अपन और लेट हो गए क्योंकि गाड़ी काम में आ रही थी, मैं भी दिल्ली चला गया था. तो इस वजह से अब कल भी गाड़ी को काम ही है, मतलब दिल्ली जाना है. तो आज सर्विस करवाना अपना ज़रूरी है, पर टाइम चेक करो एक बार आप, 1:30 बज चुका है और मेरी जो अपॉइंटमेंट था ना वो था 11:30 बजे का. देखो करेंगे कुछ रिक्वेस्ट कि अपनी ये सर्विस हो जाए आज, क्योंकि आज करवानी ना अर्जेंट है. और ये देखो टनल अंदर से, ये हमारी अटल टनल है जयपुर की. इसमें 2 व्हीलर अलाउड नहीं है भाई, ये बात है. ये 3 व्हीलर भी शायद अभी हाल ही में अलाउड हुए हैं, पर 2 व्हीलर इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी. मतलब 2 व्हीलर अगर एंट्री एग्जिट खैर हो ही नहीं सकती, एंट्री पे भी नाका है और एग्जिट पे कुछ ऐसा सीन है यहाँ का, एग्जिट का भी अच्छा है. तो अब अपन बात ये करेंगे कि आप वॉश मत करो क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी साफ है. ये आ गया अपना कट. यहाँ ना बहुत 2-3 हैं सर्विस सेंटर, यहीं अपना फार्म भी है. तो आने वाला है आप लोगों के लिए जल्दी फार्म हाउस टूर भी. और ये आ गए अपन अपना सर्विस सेंटर भी, देखा बस मुड़ते ही है और हार्डली कोई 4 या 5 किलोमीटर है मेरे घर से, कोई दिक्कत है नहीं. रात गाड़ियाँ कम दिख रही हैं, होपफुली कोई चक्कर पड़े ना. काम भी रिनोवेशन भी चालू है. तो चलो चलते हैं अंदर, जॉब कार्ड रेडी करवाता हूँ और आप लोगों को भी बताते हैं कि क्या क्या चेंज होना है और क्या कुछ अपनी कॉस्टिंग आएगी इस वाले सर्विस इंटरवल पे.
तो भाई जॉब कार्ड अपना रेडी हो चुका है और जो जो चीज़ चेंज होने वाली है ना, एक तो ऑयल तो खैर होना ही है, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर, और अपनी वाइपर ब्लेड भी ना वो ख़राब हो गई थी तो वो चीज़ भी लगनी है। अब जा रहे हैं गाड़ी में अपन अंदर, और गाड़ी अपने को मिलेगी 6:30 या 7 बजे तक, तो वो तो कोई ऐसा इशू है नहीं। अपने को मेन था सर्विस करवाना, क्योंकि कल जाना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कल अपने को जाना है दिल्ली, तो उससे पहले सर्विस ज़रूरी थी। अब गाड़ी आ चुकी है मेन सर्विस एरिया में, जहाँ पर सारे कुछ जो भी पार्ट्स चेंज होने हैं और ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज होना है। काम शुरू होने से पहले ना अभी चल रहा है अपना पूरा, जो भी लाइट्स वगैरह सब प्रॉपर वर्किंग है क्या, विंडो वगैरह सब अप डाउन नॉर्मली हो रहा है क्या, एसी की लॉक अनलॉक वो सारा कुछ ना जो गाड़ी में रेगुलर सारी कुछ रहता है ना अंदर, वाइपर में पानी है क्या उसमें, वो वॉशर में, तो वो सब चीज़ चेक कर रही है, पावर विंडो वगैरह। उसके बाद अब इसको लिफ्ट पे लगा करके, और ब्रेक शू वगैरह क्लीन होंगे और टायर रोटेट होंगे और जो भी इंजन में होता है वो सब आप लोगों को दिखाते हैं। तो वॉश होने के बाद ना इंजन पे भी अलग लगता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा था, तो ये मैंने ना आज वॉश ही करवा दिया पूरा कंप्लीट। जो भी इनकी मास्किंग वगैरह करते हैं ना, जहाँ जहाँ पर पानी नहीं जाना चाहिए, वो भी जो कटआउट का ये तो पैक रहते ही हैं यहाँ पर, ये मास्किंग वगैरह करके, और आज ना ये पूरा वॉश ही हो गया। ये अपना कवर उतर चुका है और नीचे से सारा कुछ जुगाड़ ऐसा है, ये है अपना ब्रेक ऑयल फिल करने के लिए, ये कूलेंट, और ये अपना वाइपर वॉशर के लिए। अब क्या करेंगे मन, पहला काम ब्रेक ऑयल सही है, टॉप अप कर दिया कूलेंट का, कूलेंट टॉप अप हो ही गया, इसमें भी पानी भर दिया, सर में पानी पूरा कर दिया। अब अपन एयर फिल्टर निकालेंगे, एयर फिल्टर की कंडीशन देखेंगे क्या है। नीचे एयर फिल्टर खोलेंगे, एयर फिल्टर की प्लेसिंग अपनी आ रही है, ख़त्म ही होगा। तो यार एयर फिल्टर रिप्लेस होगा, एयर फिल्टर तो रिप्लेस ही होगा, पता है मुझे। तो ये देखो पुराने वाले की कंडीशन, ऊपर से तो ऐसे ही दिखता है, ये है मेन पूरा पैक, इतनी ही मिट्टी है, तो ये अपना रिप्लेस होगा। और एयर फिल्टर की प्लेसिंग अपनी होती है यहाँ पर, इसकी भी क्लीनिंग वगैरह भी हवा से करेंगे, और एक जो अपने जो प्लग वगैरह रहता है स्पार्क प्लग, उसकी भी क्लीनिंग होती है, उसमें से भी एक ना बड़ी ही गंदी काले कलर की मिट्टी निकलती है, तो दिखाता हूँ। देखो आगे बने रहना, देखो इस वीडियो में ना अपन चीज़ें वही कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वॉशिंग वगैरह देखो नॉर्मल हर जगह वही होती है, तो इसलिए मैंने कोई ज़्यादा इतना वीडियो बड़ा करके कोई मतलब है नहीं, वॉशिंग पॉलिश सब जगह सेम सी रहती है कहानी। ये वाला पार्ट अपन पूरा कवर करेंगे कि 70,000 वाली सर्विस में इंजन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ चेंज होती है। तो भाई अब चल रही है अपने चारों डोर्स में ल्यूब्रिकेशन, जो भी ग्रीस वगैरह लगता है ना अंदर और लॉक पे, वो सब कुछ, और बोनट पे और डिग्गी वाले गेट पे। भाई जितनी देर अंदर का काम हो रहा है, आप लोगों को एक ज्ञान की बात बताते हैं, तो ये हर गाड़ी में यहाँ पर आप लोग देखोगे ना दोनों कॉर्नर्स पे, तो ये रहता है आपका सस्पेंशन का पूरा यूनिट, मतलब सस्पेंशन मतलब जो ये आपकी स्प्रिंग आती है ना, इसका पूरा मतलब अटैचमेंट यहीं रहता है, ये यहीं पे कसी हुई होती है। अब बात ये आती है कि अगर ये बात है उन लोगों के लिए जो सेकेंड हैंड कार बायर है, मतलब यूज्ड कार खरीद रहे हो ना आप कहीं से, और अगर आप लोगों को ये देखना है ना कि सस्पेंशन का काम उस गाड़ी में हुआ हुआ है या नहीं है, तो एक तो रहता है कि आगे से गाड़ी को आपको पुश करना है, अगर गाड़ी फ्रीली ऊपर आ रही है तब तो है ही अच्छा, और अगर गाड़ी थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर आ रही है ना, तो मतलब सस्पेंशन उसका वीक है। और प्लस सस्पेंशन चेंज का अगर आप लोगों को चेक करना है ना कि इस गाड़ी का सस्पेंशन चेंज हुआ हुआ है या नहीं है, तो वो है सबसे बढ़िया चीज़ है ये यहाँ पर, ये आप लोग देख रहे हो कलर की एक ना एक बॉर्डर एक लाइन लगा देते हैं, कलर की एक लाइन बना देते हैं सारे स्क्रूज पे, तो अगर ये खुलेगा और दोबारा फिट होगा ना, तो ये लाइन एकदम सेट नहीं होगी, मतलब ये आउट हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर ही रहना अपनी जगह पे नीचे वाले एरिया पे, तो ये हो जाता है। मतलब अगर आप लोगों को ये चेक करना है ना कि काम हुआ या नहीं हुआ, तो बस ये चेक कर लो कि ये लाइन आपकी पूरी एक लाइन में है या नहीं है, कलर वाली जो भी पेंट की लाइन है ये आपकी इस तरह से एक लाइन में है या नहीं है, अगर आउट है तो वो गाड़ी को मत ही लो। अब गाड़ी लगेगी लिफ्ट पे और ऊपर। सो भाई एसी ना मेरे रेगुलर ज़्यादा काम में आता है, मतलब हम बिना एसी की गाड़ी चलाते ही नहीं है। ये देखो एसी फिल्टर की कंडीशन, ये है ऊपर की तरफ से और ये है अंदर, जाओ जो मेन चीज़ है ना ये देखो, लोगों के एयर फिल्टर में भी इतनी मिट्टी नहीं निकलती है जो हमारी एसी फिल्टर में निकलती है। ये भी रिप्लेस होगा, नया लगेगा, वही पेपर वाला है ये भी, पर भाई साहब हालत तगड़ी ख़राब है दोनों की। ये देखो ये रहा एयर फिल्टर, ये रहा एसी फिल्टर, सेम कंडीशन है दोनों की, तो ये भी रिप्लेस होगा।
और एसी फिल्टर की प्लेसिंग की अगर अपन बात करें ना, तो ये ग्लव बॉक्स है, ये हटाना पड़ता है और यहाँ पर ये एसी फिल्टर लगता है। तो भाई अब ये टैब अपना जो कनेक्ट करके नीचे से, और इसमें एक तो सर्विस इंटरवल का टाइम डाल रहे हैं आने वाली सर्विस का रिमाइंडर, और प्लस कोई अपडेट आई हो तो वो चेक कर रहे हैं, और उसके अलावा और क्या क्या होता है भैया? इसके अलावा जैसे अपनी गाड़ी डीपीएफ आ रही है तो डीपीएफ चेक करेंगे, इश्यू अपडेट चेक करेंगे। डीपीएफ मतलब जो अपने ये सेंसर आता है डीपीएफ बेस वाला, जो साइलेंसर पे लगा होता है। अच्छा, उसके आधार पे डीपीएफ होता है इसका। अच्छा, और तो ये ना टैब अपनी गाड़ी से कनेक्टेड है, मतलब ये सारी चीज़ें ना जो भी अपनी गाड़ी में दिक्कत होगी वो बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी डीटीसी होगी वो इसमें, जो भी कोई दिक्कत परेशानी अपनी गाड़ी में है, कोई डिफेक्ट है, कोई दिक्कत है, तो वो सब इसमें शो कर देता है। अब क्या आ रहा है इसमें, कुछ आया अभी तक? अभी सिर्फ से हम डाले फॉल्ट कार्ड, अब चेक करेंगे इसका जो भी है। अच्छा, अभी सर्विस वाला डाल दिया अपन ने, मतलब है ना। तो सर्विस वाला अपने यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैं सर्विस सेंटर में डला या नहीं था, सेटअप पे गए, व्हीकल पे गए। अच्छा, क्लस्टर क्लिक किया, सर्विस इंटरवल का ऑप्शन रहा, इसमें क्लिक किया। ये देखो अपना डिस्टेंस आ गई 10,000 किलोमीटर, और ड्यूरेशन आ गई 365 किलोमीटर, 365 का जो भी पहले हो जाए उसमें अपने साल में सर्विस होती है। हाँ, साल में सर्विस, 10,000 वाली साल में एक सर्विस होती है उससे, जो भी पहले हो जाएगा, या तो 12 महीने पहले हो जाए या किलोमीटर पहले हो जाए। अच्छा, वो डिस्प्ले में अपने शो कर देगा भाई अपनी सर्विस मांग के गाड़ी। अब फॉल्ट चेक कर रहे हैं अपने। हाँ, फॉल्ट चेक कर लिया, इसमें कोई डीटीसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेंसर ओके, सारे सेंसर ओके हैं। ओके, और अब कोई अपडेट वगैरह देख लो यार, स्क्रीन का कोई अपडेट आया हो तो। ये लो जी अपना डीटीसी चेक हो गई, इश्यू अपडेट चेक कर लिया, सर्विस टाइम डाल दिया अपना, इसका काम कंप्लीट है, कोई डीटीसी नहीं है। और वो भी अपडेट नहीं है, कोई अपडेट कोई नहीं है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ नहीं, अपडेट नहीं है, कोई डीटीसी नहीं है। ओके, सब कुछ सही है गाड़ी में। अब अपना बस आगे का काम रहेगा, अब आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो भाई किस किस को ये वाली आवाज़ पसंद है ना, ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये खोल रहे हैं हम अपन अपना ऑयल फिल्टर, है ना जी। अभी ऑयल फिल्टर खोलेंगे, फिर लिफ्ट पे लेके ऑयल ड्रेन आउट करेंगे, फिर वापस नीचे लेके और अपना फिल्टर खोल दिया। ये ऑयल फिल्टर यूज हो गया, तो इसका जो भी ऑयल है वो अपन नीचे निकालेंगे, ड्रेन करेंगे तो उसमें निकल जाएगा। अच्छा, ताकि अपन ऑयल फिल्टर को ऊपर निकालें तो उसमें ऑयल नहीं निकले, स्मॉल ऑयल नहीं निकले और गाड़ी गंदी नहीं हो, इसलिए पहले ऑयल पहले लूज कर लिया मतलब अपन ने, है ना। ओके, और एक बार आओ ये टायर की कंडीशन देखो, मेरे टायर कैसे हैं अभी तक, ये गाड़ी के साथ वाले ही हैं। गाड़ी के साथ वाला तो बढ़िया चल रहा है टायर, अभी तो अपनी गाड़ी चल रही है 72,000 कितने चल जाएगी, और अभी ये कम से कम अपने 30,000-40,000 चलेंगे आराम से चल जाएंगे, मतलब 1,00,000 के आसपास तो आराम से चलेंगे अभी भी। हाँ, 1,00,000 पकड़ लो, 1,00,000 चल जाएगी ना, तो 1,00,000 तो आराम से चल जाएंगे अपने टायर। उस पर मेन क्या रहता है यार, चलाने वाला भी मैटर करता है, चलाते चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, ब्रेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, यूज ले रहे हैं वो अनशंट ब्रेकिंग होती ना, चिपकी भी खड़ी ब्रेक, उससे तो टायर खाती है गाड़ी, है ना। तो मतलब सही है तुम्हारा अकॉर्डिंग, एक बार टायर अभी तो टायर वो कर देना, रोटेट कर देना चारों अलग। अपनी ना गाड़ी के बम्पर की भी हालत बहुत ख़राब है, ये यहाँ से भी पूरा ख़राब है, स्क्रैचेस स्क्रैचेस, और पेंट तो फिर बेकार हुआ हुआ ही है, यहाँ भी स्क्रैच लगे हुए हैं, और यह साइड भी पूरा। तो अब देखो टाइम मिलते ही गाड़ी को ना फ्री होते ही पहले इसका बम्पर उतारवा के इसको रिपेंट करवाएंगे, बम्पर का काम करवाएंगे, इस पर बढ़िया सा पेंट करवा के। और मैं सोच रहा हूँ यार इसको PPF ही करवा देते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी ज़्यादा आती है यूज़ में, और बम्पर अड़ता भड़ता रहता है, ये दिल्ली में गाड़ी चलती है, दिल्ली वालों को पता ही है सारी कहानी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या हाल होता है। देखो यहाँ तक भी स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो बम्पर को पेंट करवा के और इसको अपन PPF ही करवा देते हैं, बम्पर का पानी खत्म। अब खुल रहे हैं अपने चारों टायर, चार टायर अपने एक तो रोटेट होंगे, और प्लस आपका जो डिस्क पैड है इसकी क्लीनिंग होगी, जो भी मिट्टी निकलेगी वो भी देखना कितनी निकलती है इसमें। तो भाई चारों टायर अपने खुल चुके हैं। अब भैया एक बात बताओ, ये टायर अपने टायर रोटेट कैसे होते हैं, किस डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, मतलब एक्स में या फिर ये वाला पीछे चल जाएगा, पीछे वाला आगे? एक्स में होते हैं, ये वाला उधर जाएगा, ये वाला फ्रंट लेफ्ट वाला है वो राइट में जाएगा, रियर राइट में जाएगा, और रियर राइट वाला है जो फ्रंट लेफ्ट में आएगा। अच्छा, मतलब एक्स बनाना अपने को ना रोटेट, तो ऐसा कुछ है। और एक बार भाई सस्पेंशन भी चेक कर लेना, कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है ना, वैसा तो है नहीं, आप नज़र मार लेना। तो ये अपना ऑयल हो रहा है ड्रेन, और ऑयल ड्रेनर मतलब जो ऑयल ड्रम होता है ना वो नीचे लग चुका है, और ये अपना हो रहा है ऑयल ड्रेन, और नीचे की
अंडर बॉडी सेल्टोस की आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ है। कवरिंग सिर्फ आपको ये मिलती है, यहाँ तक मिलती है मेजर, तो ये वाला और बाकी सब कुछ खुला है। बीच में ये इंसुलेशन भी मिलती है यहाँ पर ना, वाइट सिल्वर वाली चीज़। चेक करो किया के पार्ट्स पे भी ना हुंडई का लोगो रहता है, हुंडई ये रहा आपका किया, तो सारे ज़्यादा बहुत सारे पार्ट्स पे आप लोगों को ना हुंडई का लोगो मिलेगा और हुंडई के पार्ट्स पे किया का लोगो मिलेगा। अब होगी अपनी कैलिपर की डस्ट क्लीनिंग। तो भाई ये खुल रहा है अपना रियर वाले कैलिपर और पैड्स की वही सफाई वफाई हुई और देखते हैं इसमें कितना अपने को ना किलोमीटर बचे हैं। तो ये आ चुके अपने पीछे वाले डिस्क, ये राइट साइड के हैं, ये लेफ्ट साइड के हैं। कैसी है इनकी कंडीशन? इसकी कंडीशन भी ऐसी है, ये अपने दो सर्विस आराम से निकाल देंगे क्योंकि पीछे वाले जो ब्रेक पैड है तो उन पर लोड कम पड़ता है, आगे वालों पर ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, तो अपने आगे वाले हैं जो एक सर्विस दे पाएंगे और पीछे वाले आराम से दो सर्विस निकाल देंगे। मतलब आगे वाले अगली सर्विस पे चेंज करवाना है अपने 80,000 रुपये, तो मेरे को याद रहता है, मैं वीडियो में बोल देता हूँ ना। तो वाइपर ब्लेड का भी गए चक्कर में यही हुआ था, तो उसमें तो यार अभी बहुत अच्छा माल है, मतलब ये 25-30 हज़ार चल जाना चाहिए मेरा। हाँ, आराम से तीन सर्विस निकाल दी उन्होंने, तो मतलब बढ़िया यार। अब देख सकते हो आप लोग, अपन 1500 cc की गाड़ी भी चला रहे हैं, डीजल भी एवरेज भी अच्छा, और पार्ट्स भी देख लो कितने ड्यूरेबल हैं, टायर भी ओरिजिनल चल रहे हैं, डिस्क पैड भी अभी तक ओरिजिनल ही चल रहे हैं 72 के बाद भी, और अभी भी 30-30 हज़ार और निकलने वाले हैं। तो भाई देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है आपकी सेल्टोस। फ़ोन की टॉर्च से भाई ने ये चेक करा ना नीचे का, तो अपने ये बैंड मिला है वो पत्थर टच हो जाता है ना, तो उससे पर कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, पर वो ये देख के चलानी चाहिए यार, यही अगर बड़ा पत्थर आ जाए तो ये अपना पूरा डैमेज भी कर सकता है। और ये अगर आप देखोगे ना तो ये रहता है एसी का ड्रेन पाइप, जो एसी का पानी आता है ना सारा इसमें से, वो सारा इसमें से आता है। ये अपना एग्जॉस्ट हुआ और सबसे नीचे पार्ट आपका पूरी गाड़ी में एग्जॉस्ट ही रहने वाला है, मतलब बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ना तो सबसे नीचे पार्ट आपका एग्जॉस्ट ही है, नीचे से टच जो होगा। तो थोड़ा सा देख के ये मैं भाई को बता रहा हूँ, मेरे छोटे वाले को, वही चलाता है गाड़ी, सही है ना, वीडियो में बता दिया और उसे भी बता दिया। तो अपना ये वाला टायर था वो गया वहाँ, और पीछे वाला टायर आ गया अपना आगे, और भैया का मैं चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहा, तुम भी सोचोगे कि नीचे नीचे से, इनका फेस दिखाना अलाउड नहीं मुझे। तो ये वाला आपका गया उधर, और मतलब ये जाना है एक नया है, वो मेरा फट गया था एक टायर, आप इनमें से कोई सा भी एक नया टायर है वो है, तो वो जो पीछे वाला टायर है ना वो उसी जगह रहेगा, वो वहीं रहने दो, वो यहीं रहेगा, ये आगे वाला खाएगा। अच्छा सही है, इसलिए अपन क्रॉस में एक ही टायर, ये यही क्रॉस होगा और वो वहीं रहेगा, ये वहीं रहेगा, टायर की कंडीशन सही ऐसी हो जाएगी। बीच में नया लगवाया था मैंने, पत्थर से फट गया था टायर, वही पार्ट्स आ चुके अपने, ये दोनों आपकी वाइपर ब्लेड्स, ये आपका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, अच्छा ये एयर फिल्टर है, ये आपका एसी फिल्टर। और पार्ट्स की रेट की अगर अपन बात करेंगे ना, तो देखो और पूरी, तो एक बार एंड में बिल आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी लग डलवाते हैं ये सारे पार्ट्स नए। और हाँ, ये रहा आपका ऑयल, तो इंजन ऑयल अपना ना इसी में आता है किया में, कोई वो बॉटल में नहीं आता, इसमें आता है अभी तक तो, क्योंकि इनके पास ड्रम में आता है और सिंथेटिक अभी तक बताया है नहीं, रिकमेंड है नहीं सेल्टोस के लिए, तो जब आएगा जब सिंथेटिक डलवाएंगे, अभी तो फ़िलहाल तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। देखो कंट्री ऑफ ओरिजिन साउथ कोरिया। अच्छा, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, ये मतलब इंपोर्ट हो रहे हैं पार्ट, ऑयल फिल्टर वगैरह ऐसे कुछ, बाकी सब मेड इन इंडिया। तो ये है अपना पुराना वाला ऑयल फिल्टर ना, और ये लगता है इसके अंदर, तो ये पुराने वाली कंडीशन है, ख़त्म है, तो है नया दिखाते हैं आप लोगों को, नया है अपना ये, वो कंडीशन आप लोग देखिए बिल्कुल काला, और ये चेक करो, ये भी वही पेपर वाला ही है, लगता कुछ ऐसे है ये,
ये आपका ऑयल फिल्टर इस कवरिंग में आ गया और यहाँ पर ये नीचे वॉशर आ जाएगा, जो रिंग आती है ना तो नीचे रिंग आ जाएगी ताकि लीकेज ना होगा ना, लीकेज रोकने के लिए है ना ये। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये है क्या नॉलेज है क्या मुझे भी कुछ गाड़ी घोड़ों के बारे में? बिल्कुल थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा है यार। सातवीं क्लास से गाड़ी चला रहा हूँ, सेवन क्लास में सेंट्रो में स्कूल जाता था। तो ये इसमें ना नया ऑयल लगा रहे हैं, ये वही वाली अपनी मधुर आवाज हो गया पैक, अपना ऑयल फिल्टर लग चुका है। अब करेंगे ऑयल डालेंगे ना पहले, अब पहले ऑयल डालेंगे तो दिखाते हैं। देखो यहाँ से ये ऑयल फिल्टर की जो अपनी असेंबली थी ना वो साफ़ हो गई, जो भी मिट्टी थी वो निकल गई। अब लगाएंगे अपन इसमें नया जो एयर फिल्टर है ना अपना, ये जा रहा है फूड ब्लॉगिंग देख लो जी, तो ये जा रहा है अपना एयर फिल्टर, बना देना खाने वाले वीडियो, ये जाए ये गई अमूल की टिक्की। तो लग गया अपना फिल्टर भी, दोनों फिल्टर लग चुके, अब बच रहा है एसी फिल्टर और पहले डालेंगे अपन ऑयल। तो ये यहाँ से खोला, ये लगी अपनी नोजल, ये लो जी नया ऑयल। तो अभी तक सिंथेटिक रिकमेंड क्यों नहीं करा किया वालों ने जी? सिंथेटिक ऑयल रिकमेंड क्यों नहीं करा अभी तक? वही सेमी सिंथेटिक चल रही है गानी, सिंथेटिक आने का है क्या कुछ अभी? ये नहीं अभी तक, तो कोई कुछ नहीं। कितना लीटर डलता है ऑयल इसमें? 4.8। तो 4.8 लीटर इसमें टोटल अपना ऑयल डलता है। तो ऑयल हो चुका है अपना फिल, यहाँ का काम कंप्लीट। अब जो सेंसर की क्लीनिंग होती है ना एक, वो देखना उसमें से सबसे ज़्यादा मिट्टी निकलती है। कौन सा सेंसर बता रहे थे ये वाला भैया? ऑटो सेंसर। ऑटो सेंसर किस चीज़ के लिए रहता है मतलब? ये जो अपने साइलेंसर में जो कार्बन वगैरह मिट्टी उसके लिए। अच्छा, तो जो भी कार्बन वगैरह मिट्टी वगैरह वो रहता है ना, जो भी इम्प्योरिटीज रहती है इजी वर्ड में कह लो आप, तो ये होता है सेंसर वाला। इससे खुलेगा ये यहाँ से, ये आ गया सेंसर बाहर। और ये है जो कार्बन था ना, चेंज होता है कि चेंज कितने टाइम में होता है? चेंज होता है क्लीनिंग को तब चेंज नहीं होता, फिर अपने जो जिसकी बिल। तो ये लग चुका है अपना क्लीन होके, और इससे बेनिफिट क्या रहता है अपन ने जैसे क्लीन करा तो क्या क्या बेनिफिट अपने को महसूस होंगे गाड़ी चलाने में? गाड़ी सही चलेगी, और जो ब्लैक धुआं है ना, ब्लैक धुआं पड़ा, धुआं तो फिर देता नहीं गाड़ी मेरी, वो उसी वजह से, इसकी वजह से अपन नहीं छाप रहे तो देगा ब्लॉकेज। अच्छा। होगा तो जब ये ब्लॉक होता है तभी गाड़ी में काला धुआं आता है। हाँ। डीजल गाड़ी में खासकर रेस देने पे ज़्यादातर आता है लोगों के। हाँ। मेरे तो खैर अभी तक टच उड़ आया नहीं, और ना भाई आया है। तो सेंसर अपना दोबारा ये फिट हो चुका है, सारा वही कपलर से रहता है ये जो। तो इंजन पे से रिलेटेड अपना सारा काम हो चुका है, आपका कूलेंट टॉप अप हो गया, नया ऑयल डल गया, सेंसर क्लीन हो गया, वाइपर वॉशर में पानी डल गया, एयर फिल्टर नया डल गया आपका, बैटरी वगैरह सब कुछ, वो करंट जो था उसका वो चेक हो गया। अब लग रहा है अपना एसी फिल्टर अंदर केबिन में, तो वो दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ पर जा कर के ये लगेगा। उसकी सारी असेंबली है अंदर डैशबोर्ड के, मतलब ये ग्लव बॉक्स निकालना पड़ता है और उसके पीछे ही लग जाता है। तो ये हुआ भाई अपना कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट सर्विस का, और अब बाकी रह गई है टेस्ट ड्राइव, क्योंकि जो सीनियर एडवाइज़र रहता है, सीनियर टेक्नीशियन रहता है ना, वो गाड़ी चला के देखते हैं। तो अभी चलते हैं अपन टेस्ट ड्राइव पे। सर्विस होते ही गाड़ी की आवाज़ में डिफरेंस आ गया, बिल्कुल थोड़ी ना रब हो गई थी गाड़ी, क्योंकि चल भी ज़्यादा गई थी, और 8-9 हज़ार चलने के बाद ना थोड़ी सी गाड़ी में रफनेस आ जाती है, कोई भी गाड़ी हो। अब ये साउंड सुन सकते हो आप, एकदम थोड़ी सी स्मूथ भी हो गई और साउंड नॉइज़ भी कम हो गई सारी। अब चेक हो रही है बैटरी हेल्थ, क्या बैटरी में कितनी मतलब अभी पावर है और कितनी और चल जाएगी। तो ये मशीन कनेक्ट करके इस टाइप से अपने को पूरी बैटरी हेल्थ पता चल जाएगी परसेंटेज में, जैसे आईफोन में आती है ना बैटरी हेल्थ परसेंट।
लो जी, तो बैटरी का रिपोर्ट कार्ड आ गया और खुशखबरी, बैटरी अपने अच्छे नंबरों से पास हो गई, गुड बैटरी और नो प्रॉब्लम्स। तो जो जो वीडियो देख रहे हो सभी को मुबारक, अपनी बैटरी पास हो गई, गुड बैटरी आई है, गुड गुड मिला है। अब सबसे लास्ट काम वाइपर ब्लेड चेंज, तो ये लग चुका है अपना बड़ा वाला जो मतलब ड्राइवर साइड वाला, और दूसरा वाला आता है छोटा, ये रहा अपना पुराना। तो जो ड्राइवर साइड वाला था ना ये वीक था, मतलब ख़राब नहीं था, पर फिर भी चेंज तो अपन ने ना पेयर ही ले लिया क्योंकि ज़रूरत पड़ती है यार वो पानी का, जो है ना ये वाइपर वॉशर वाला यूज़ मेरा ज़्यादा ही रहता है। ये है छोटा वाला, ये है जो मेरा ना ज़्यादा ही ख़राब था, तो इसकी एक लेयर ही निकल गई थी मतलब ये ना छोटे वाले की पैसेंजर साइड की। तो ये दोनों अपने लग चुके हैं नए, और ये हैं सिंडिकेट के, सारी ज़्यादातर गाड़ियों में यही रहते हैं सिंडिकेट के। तो ये लग चुके हैं अपने दोनों वाइपर ब्लेड की नए। गाड़ी लग चुकी है अपनी वॉशिंग के लिए, और आज ना मैं गाड़ी छोड़ के गया नहीं, अंदर बैठ के बात करते हैं, देखो आवाज़ ज़्यादा है ना बाहर। तो गाड़ी अपनी लग चुकी है मतलब वॉशिंग वाले एरिया में, और मैं करवा रहा हूँ आज ना अंडर बॉडी, क्योंकि नीचे से गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो आज लिफ्ट खाली थी और सही भी थी, तो ये मैं आज अंडर बॉडी करवा रहा हूँ, और उसके बाद जो बॉडी वॉश होगी वो बराबर वाले एरिया में होगी, तो वो होगी। आज ना मैं गाड़ी छोड़ के मतलब गया नहीं, मतलब यूजुअली मैं गाड़ी छोड़ के ना निकल जाता था और कैब वगैरह करके घर और लेने आ जाता था, पर आज ना मैं थोड़ा फ्री था तो मैं सोचा रुक के एक बार काम देखते हैं, और आज थोड़ा वर्कलोड भी यहाँ पर कम था, तो ये बात है। तो अब करवाते हैं अंडर बॉडी और आप लोगों को दिखाते हैं म्यूज़िक के साथ, क्योंकि बाहर आवाज़ है कोई सेंस ही नहीं बनेगा, आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी आपको मेरी आवाज़ आनी नहीं है। ओके जी, तो भाई गाड़ी अपनी ऑलरेडी हो चुकी है, वॉशिंग ड्राइव मतलब जो भी सफाई वगैरह हो रही थी इंटीरियर में वो कंप्लीट हो गया, और सर्विस वाला काम तो आप लोगों ने देख ही लिया। वॉशिंग वाला पार्ट ना मैंने ज़्यादा कवर किया नहीं क्योंकि खाली बिली कोई मतलब है नहीं अभी उसका, जो रेगुलर सर्विस होती है वॉशिंग होती है क्लीनिंग होती है हर जगह वैसी है सेम है सब कुछ वही है, तो क्लीनिंग और अपनी अंदर से भी पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। पीछे से देखोगे तो पीछे से भी कुछ इस टाइप का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट ना जो भी कैश वगैरह है वो करके पेमेंट करके और फिर आप लोगों से मिलता हूँ बिल के साथ, पूरा बिल के ब्रेकअप के साथ कि क्या अपना टोटल अमाउंट बना। देखो जी गार्ड साहब, तो तुम्हारा गेट पास हो गया? हाँ जी, तो ये आ चुका है अपना बिल, दिखाता हूँ आपको गाड़ी में बैठ के। और लो जी आज ही गाड़ी धुलवाई है, और वैसे भरपूर गर्मी पड़ रही थी और अब बारिश का मौसम बना हुआ है, हो सकता है रात तक या कल सुबह तक बारिश हो जाए। ये रूपक तो उसके जैसे ही दिख रहा है ना, हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू भी आ रही है, तो चांस तो आज रात तक के ही हैं। तो चलो देखते हैं अब अपना बिल का ब्रेकअप, बिल दिखा देते हैं आप लोगों को। तो भाई मैंने फोल्ड किया हुआ है ऊपर से थोड़ा ना एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर के वजह से, तो क्या क्या चेंज हुआ अपना। तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो ये ऑयल फिल्टर आ गया और एयर फिल्टर, ये जो अपना ऑयल आया, दोनों अपनी वाइपर की ब्लेड ड्राइवर और पैसेंजर, उसके बाद अपनी ये जो असेंबली एयर फिल्टर एसी फिल्टर एयर फिल्टर दोनों चीज़ें वो आई गई, उसके अपना ये जो टोटल बना इसके अंदर ये बना 1845 का जो लेबर चार्ज था उसका, और कंप्लीट जो ओवरऑल अपना ग्रैंड टोटल बनता है वो बना है 6029 रुपये का, यानी कि 6029। तो ये था अपनी मतलब 70,000 किलोमीटर वाली सर्विस, यानी कि 9th सर्विस अपनी हुई है 6000 रुपये की, और इसमें से 6000 रुपये में से लगभग 700 या 750 रुपये के तो आपके हैं अपना जो वाइपर ब्लेड्स हैं, तो वो अगर अपन हटा देते हैं वही वेयर एंड टेयर वाला पार्ट है यार, अगली कभी हो भी सकता है चेंज हो, मतलब ज़रूरी नहीं है ना हर सबका ये 9th सर्विस पे चेंज ही होना हो, तो ऐसी बात है। तो ये अपनी सर्विस हुई है, अगर वो वाला पार्ट अपन हटा देते हैं तो 5300 के अराउंड, और अगर ऐड करते हैं तो है ही आपके पास 6000 रुपये। तो भाई इसी के साथ एंड करते हैं अपना ये वाला वीडियो, यानी कि अपनी 70,000 किलोमीटर वाला सर्विस का वीडियो, बिल वगैरह आप लोगों ने टोटल कंप्लीट सारा कुछ ब्रेकअप देख ही लिया, सारा काम भी आप लोगों को दिखा दिया। तो भाई इतना डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे नहीं होगा,
मुझे पता है सेल्टोस सर्विस का। तो वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग भी मेरा कोई भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए रेगुलर मेरे चैनल पे मैं लेके आता ही रहता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय। जिसका डर था वही हुआ। बारिश आ रही है, बम्पर मतलब हल्की फुल्की बात नहीं है, बातचीत ही हल्की फुल्की नहीं है ये। तो ये बारिश ना देखो, सही टाइम पे लगवा दी ना अपन ने, वाइपर ब्लेड भी नहीं अच्छी खासी भाई, फुल पावर बारिश हो रही है 15 मिनट से। गाड़ी तो गंदी हो गई जो हो रही थी, वो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। बस एक चीज़ का दुख हो रहा है, बेचारे जो लड़कों ने अच्छी तरह से साफ़ करी थी ना, वो सारी मेहनत उनकी इसी बारिश में पानी पानी हो गई।